स्टेशन है। 1205 अप लखनऊ मुंबई पुष्पा एक्सप्रेस इस गाड़ी से आए हुए सभी यात्रियों का खाना मम्मी दी थी बाहरी क्या, ये एक भाजी और एक भाजी और रोटी, तो ही उतर के बराबर हाथ वाथ धोया, फिर खाने के लिए बेटा भूख बहुत लगी थी, तो चलो खा के मिलता हूँ मैं। इधर आ चुका हूँ, तो बहुत से स्ट्रगल लेके आया मैं, ट्रेन में इतनी गर्दी क्या ही बोलूँ मैं, इसके लिए मैं इधर आया और वीडियो चालू किया। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया अगर मैं किधर जा रहा हूँ, तो वही मैं जा रहा हूँ भीमा संगर ज्योतिर्लिंग। तो चलो अभी देखो मैं पूना स्टेशन पे हूँ, देख सकते हैं आप। तो चलो मैं आगे वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। बस स्टॉप है यहाँ से अंदर जाने का, इधर बस खड़ी रहती सब।
चलो हम बड़ा आ गया, तुम खाते हो बड़ा आ गया। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो मैं मंदिर के वहाँ पहुँच गया हूँ, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ से आने के लिए आप गाड़ी से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हैं। बस के लिए आपको एडवांस बुकिंग करेंगे तो आप आ सकते हैं, बराबर सीट मिलेगी, नहीं तो फिर खड़े खड़े 3 घंटा आना पड़ेगा। और गाड़ी से आएंगे तो पर पर्सन में सुना कि 700 रुपया है, और 700 रुपया आना जाना बताया गया, ऐसा कुछ तो सीन है। तो वही मैं तो बुक करके आया था, एडवांस तो मेरे को मिल गया। तो चलो अभी मैं फ्रेश हुआ, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, तो अभी मंदिर में जाते हैं। मंदिर का रास्ता देखो, ये इधर से अंदर जाना है, तो इधर से मैं जाऊँगा सीधा। तो वही चलो बताता हूँ क्या है कैसा है। फर्स्ट टाइम है 12 ज्योतिर्लिंग से, 15 ज्योतिर्लिंग, थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आगे आप लोग। सामने मंदिर है। तो फ्रेंड्स मेरा दर्शन अच्छे से हो गया, और लाइन में मेरे को खड़ा रहना पड़ा 4.5 घंटा। अगर इधर आएंगे ना तो 4 घंटा तो लाइन में खड़ा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि
और मुख दर्शन तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जो पैर पड़ने का दर्शन है वो बहुत लंबी लाइन रहती है, तो वो वजह से 4 या 5 घंटा आप लोग को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा कुछ भी करके, तभी जाके उधर दर्शन मिलता है। ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं है भाई, पर 500 रुपया पे करके VIP एंट्री है, वो बंद कर देते फिर उसके बाद रिटर्न चालू करते बीच में। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इधर आएंगे तो पालकी भी है, पालकी से भी जा सकती है, जिसको चलने नहीं होता है वो। तो वही अच्छे से दर्शन हुआ, अच्छे से सब कुछ हुआ, पहला मेरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 1 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट हुआ, और मैं ट्राई करूँगा कि 11 ज्योतिर्लिंग और जल्दी महीने महीने में एक एक करूँ। तो वही सपोर्ट करो मेरे को, और थोड़े बहुत सिनेमेटिक सीन देखो मंदिर के। तो चलो मैं मिलता हूँ आगे। ये सब खाने पीने की दुकान है नॉर्मली। इधर ना ताज़ा ताज़ा मिठाई ले सकते हैं। देख रहे ये पूरी ना लाइन है, और ये किधर तक, बहुत लंबी लाइन है ये। सुबह आई थी तो लाइन थोड़ी आधी थी, पर अभी डबल ट्रिपल हो गई है लाइन, देख रहे हैं। ये सब भी दुकान ही है, इधर से बाहर निकलेंगे ना तो सब दुकान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आया था तभी लाइन आधी थी, लेकिन उसके बाद अभी ट्रिपल चौपल लाइन हो गई है। तो देख रहे, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी आएंगे तो वही बेटर है। फ्रेंड चलो मैं ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो देखे रहेगा आप लोग ने, मैं अच्छे से दर्शन दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ। और डिटेल चाहिए तो मेरे कैप्शन में जाके देख लेना, मैं सब लिखा हुआ कितना पैसा क्या है कैसा है। मैं पुणे से भी ट्रेन पकड़ लिया हूँ, तो चलो मैं मिलता हूँ अभी डायरेक्ट घर पे। और ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को, और सपोर्ट करते रहो ऐसा ही। तब तक के लिए बाय बाय।